नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी इलाके के लोगों का कहना है कि यहां अवैध निर्माण खुलेआम हो रहा था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप भी सुनिए। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर रात को ये दुखद हादसा हुआ और ये दो निर्माणाधीन बिल्डिंग्स गिर गईं। यहीं पर रहने वाले कुछ निवासी मेरे साथ हैं जो बता रहे हैं हमें कि यहां पर मुख्य कारण जो है वो क्या रहा इसके पीछे। इनके जो फ्लैट्स हैं ये शाहबेरी गाँव में ही पास में ये लोग रहते हैं और इनके जो फ्लैट्स हैं उनके नीचे यानी कि उनकी नींव में, घर की नींव में लगातार पानी आता रहता है, जिस वजह से जो नींव है वो लगातार कमज़ोर होती रहती है, जो इस फ्लैट का भी मुख्य कारण इनके हिसाब से बताया जा रहा है, जिसकी कंप्लेन इन्होंने कई दफा करी। एक आरटीआई मेरे पास इस वक्त मौजूद है जिसमें इन्होंने, आप मुझे बताइए सर, पहले आपका नाम क्या है और आपने आरटीआई कब डाली थी और इसमें क्या है? मेरा नाम संदीप दुबे है। मैंने आरटीआई 2017 में डाली थी। वहाँ पे मैंने पूछा था कि जो ये साबेरी में जो बिल्डिंग बन रही है उसका नक्शा पास कराना जरूरी है कि नहीं है, और अगर है तो जवाब मिला इस चीज का? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। इनके मामले में कई सवाल अपने आप में उठने लगे हैं। इस वक्त मेरे साथ मलखान जी मौजूद है जिन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस को शिकायत की थी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या शिकायत की थी, कब आपने शिकायत की थी? हम सर बिशरक थाने में गए, वहाँ त्रिपाठी जी से मिले जो वहाँ के SHO साहब हैं, उनसे मिले। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग DM साहब के पास जाइए। हम लोग उसी दिन एट ए टाइम DM साहब के पास गए, DM साहब को लेटर दिया। लेटर देने के बाद हमने जो यहाँ के अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इलीगल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके बारे में अवगत कराया DM साहब को और सारी मतलब अपनी प्रॉब्लम जो थी वो सारी बताई। क्या है, ये हमें बच्चों की स्कूल की गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, चार चार फुट, साढ़े चार चार फुट पर छज्जे निकाले जा रहे हैं, रोड दोनों तरफ से कैप्चर करे जा रहे हैं, पानी सारी गलियों में पानी का निकाल। अवैध निर्माण की आपने शिकायत करी थी, कौन से महीने में करी थी और क्या कार्रवाई की? हमने 23/6 को DM साहब को लेटर सौंपा है। 23/6 को उन्होंने मतलब सिग्नेचर करके हमें जो है CEO को लिए उन्होंने आदेश किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उस बारे में नहीं हुई, कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये है ABP News, आपको रखे आगे।